अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं फौजिया इलियास। तो चलें आज नाश्ते में बड़ा ज़बरदस्त स्पेशल फ्लफी ऑमलेट बनाते हैं। फ्रेंड्स, एक होता है सिंपल ऑमलेट जो हम रोज़ बनाते हैं, और एक होता है फ्लफी ऑमलेट। ये आप एक ही दफ़ा बना लेंगे ना तो पूरी फैमिली के लिए बहुत रहेगा, और बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है, और फटाफट से ये तैयार हो जाता है। तो चलें जल्दी से रेसिपी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर सुबह सुबह पहले मैंने फ्रेश मक्खन निकाला है। ये देखिए, बिल्कुल फ्रेश मक्खन, होममेड मक्खन हमारा तैयार है। तो चले अभी इसे साइड पर रख देंगे। और फ्लफी ऑमलेट बनाने के लिए मैं 4 अदद अंडे जो है वो बॉल में तोड़कर डाल रही हूँ। इसका जो वाइट वाला पार्ट है वो मैं बॉल में डाल दूंगी, और जो येलो वाला पार्ट है वो अभी अलग करके रख लेंगे, जर्दी को हम बाद में डालेंगे। तो मैं 2 तरह के ऑमलेट बनाऊंगी। एक ऑमलेट मैं अंडे की जर्दी वाला बना रही हूँ, और एक ऑमलेट जो है वो अंडे की जर्दी के बगैर बनाएंगे। तो दोनों का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, जो आपको पसंद हो आप वो बना लें, और अंडे भी आप जितने पसंद हो आप उतने डाल सकते हैं। तो चलें आप जो अंडे की सफ़ेदी को हमने बॉल में डाला है इसे अच्छे से इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लेंगे। आप चाहें तो हैंड बीटर से भी फेंट सकते हैं। इलेक्ट्रिक बीटर से फेंटेंगे तो सिर्फ 2 मिनट में बड़ा ज़बरदस्त सी फ्लफी सी ये तैयार हो जाएगा। और जो अगर आप हैंड बीटर से फेंटेंगे तो 4 से 5 मिनट उसे अच्छे से फेंटेंगे ना तो वो भी बहुत ज़बरदस्त सा फ्लफी बन जाएगा। तो चलें देखें हमारी अंडे की सफ़ेदी कितनी ज़बरदस्त फ्लफी हो गई है, ज़बरदस्त सी झाग बन गई है। तो अभी इसे साइड पर रख देंगे, और इतनी देर में थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा टमाटर और हरी मिर्चें मैंने बारीक चॉप काट ली हैं, और साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया भी बारीक काट लेंगे। आप चाहें तो वेजिटेबल भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी वेजिटेबल भी बारीक काट कर डाल सकते हैं। तो चलें फ्रेंड्स, अब यहाँ पर एक फ्राई पैन मैंने चूल्हे पर रखा है और लो फ्लेम पर इसको रखा है, और फ्रेश मक्खन जो मैंने निकाला था उसमें से 1 टेबलस्पून फ्रेश मक्खन डालेंगे, और साथ ही 1 टेबलस्पून मैं ऑयल डाल रही हूँ ताकि जो हमारा बटर है वो जले नहीं। आप चाहें तो सिर्फ ऑयल भी डाल सकते हैं या घी भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप वो डालें। और जो अंडे की सफेदी को हमने फेंट कर रखा था ना, फ्लफी करके रखा था, वो इसमें डाल देंगे, और इसे स्पैचुला की मदद से अच्छे से मैंने फैला दिया है। और अब हंसपे ज़रूरत आप थोड़ा सा प्याज डाल दें, थोड़ा सा टमाटर इसके ऊपर, और थोड़ी सी हरी मिर्ची और हरा धनिया मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। तो चलें फ्रेंड्स, अब जो हमने जर्दियाँ अलग करके रखी थी ना वो इसके ऊपर डाल देंगे। तो मैं 2 तरह के ऑमलेट बना रही हूँ ना, तो उसका उनकी जो जर्दियाँ मैंने अलग करके रखी थी ना दूसरे ऑमलेट की, वो भी जर्दियाँ मैं इसके ऊपर ही डाल दूँगी, क्योंकि ये बच्चों के लिए मैं ऑमलेट बना रही हूँ। तो बच्चों के लिए तो अंडे की जर्दियाँ बहुत ज़बरदस्त है, प्रोटीन का ख़जाना है। और जो अंडे की सफ़ेदी वाला ऑमलेट बनाऊँगी ना वो मैं और मेरे हस्बैंड खा लेंगे। तो लो फ्लेम पर इसको रखना है ताकि ये नीचे से जले नहीं, और फ्लेवर के लिए इसके ऊपर ना थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और मैंने चिली फ्लेक्स थोड़ा सा ऊपर स्प्रिंकल कर दिए हैं। और इसके ऊपर अब चीज़ की स्लाइस डाल रही हूँ। आपके पास अगर मोजरेला चीज़ है तो वो ग्रेट की हुई डाल दें, अगर कोई भी नहीं है तो कोई बात नहीं, ये ऐसे ही बहुत मज़ेदार बनेगा। तो चलें अब एक और फ्राई पैन की मदद से इसे मैंने पलट लिया है, और आधे मिनट के लिए ना दूसरी साइड से भी कुक कर लेंगे। और इस फ्राई पैन को भी मैंने ऑयल से ग्रीस किया है ताकि हमारा ऑमलेट जो है वो नीचे से चिपके नहीं, और बस लो फ्लेम पर आपने इसको रखना है। तो जल्दी से आप इसको दूसरे फ्राई पैन की मदद से पलट लेंगे। आपने इसको लो फ्लेम पर रखना है ताकि हमारा जो ऑमलेट है वो नीचे से जले नहीं। तो देखा हमारा झटपट कितना ज़बरदस्त फ्लफी सा ऑमलेट तैयार हो गया है। तो चले फ्रेंड्स, अब दूसरा ऑमलेट बना लेते हैं, अंडे की जर्दी का, जो अंडे की सफ़ेदी का, सॉरी, जो जर्दी के बगैर हम तैयार करेंगे। तो ये मैंने 3 अदद अंडे की सफ़ेदी को ना अच्छे से फेंट लिया था, आप चाहें तो 2 अंडे भी फेंट सकते हैं। तो इसको लो फ्लेम पर 15 से 20 सेकंड के लिए ना एक तरफ से पका लेंगे, और फिर सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए दूसरी तरफ से भी हल्का सा पका लेंगे। देखिए हमारा ये दोनों तरफ से अच्छे से कुक हो गया, हल्का सा इसको कुक कर लिया है। तो अब इसके ऊपर आपको जितना प्याज पसंद है थोड़ा सा प्याज डाल दें, थोड़ा सा टमाटर डाल दें, थोड़ी सी हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दें, अगर आप चाहें तो थोड़ी सी वेजिटेबल, शिमला, गाजर जो है वो, और बंद गोभी भी बारीक काट कर डाल सकते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल बारीक चॉप कटी हुई डालनी है। तो अब इसके ऊपर मैं जो चीज़ के स्लाइस हैं वो डाल रही हूँ, अगर आपके पास हैं तो डाल दें, अदरवाइज इसे स्किप कर दें। और फ्लेवर के लिए थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च 2 चुटकी, और 2 चुटकी मैंने चिली फ्लेक्स इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए। तो बस ये देखिए, ये भी हमारा झटपट ये ज़बरदस्त सा ऑमलेट ये भी तैयार हो गया है। ये अंडे की सफ़ेदी वाला है, ये जर्दी के बगैर है, और दोनों ही झटपट तैयार हो गए और बहुत ज़बरदस्त है। तो चले फ्रेंड्स, अब इसमें इसी फ्राई पैन में ना मैं थोड़ा सा मक्खन लगा के जो ब्रेड है वो काट कर मैंने इनके कॉर्नर मैंने काट दिए हैं चारों तरफ से, और ये इनको भी टोस्ट कर लेंगे। आपके पास मक्खन ना हो तो आप थोड़ा सा ऑयल डाल दें या घी डाल दें, और दोनों तरफ से ना लो फ्लेम पर इसको दोनों तरफ से मैंने कुक कर लिया है। ये देखिए हमारा हेल्दी सा ज़बरदस्त सा ये नाश्ता तैयार हो गया है, और थोड़े से ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा नाश्ता तैयार है।
तो अगर आपको मेरी इस स्टेज पर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, और मेरे चैनल पर नए फ्रेंड्स जो हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो फ्री में आपको मिल सके। और चलें चलें ज़बरदस्त सा नाश्ता हम कर लेते हैं, और इसको मैं आप देखें कट करके भी दिखाऊंगी। ये बहुत ज़बरदस्त सा फ्लफी तैयार हुआ है और खाने में इतना सॉफ्ट है कि मुंह में जाते ही खुल जाता है। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखें, फिर मिलूंगी इसी तरह मज़ेदार सी आसान सी रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।